पिछली क्लास से आगे करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, स्लाइड शेयर हो गई सबको? यस सर। ओके, एंड आवाज सही आ रही है सबको? सर हल्की हल्की ब्रेक हो रही है। ब्रेक तो मे बी नेट की वजह से होगी, अभी ठीक हो जाएगी। बाकी वैसे सही आ रही है? वैसे ठीक है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जो है बेसिक कर लिया था सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंसी बैंड, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो कुछ तो हो गए थे, कुछ रह गए थे, तो कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो आप कर लेते हैं, फिर आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, तो पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। ये सिंपल मतलब ऐसा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि अ सेमीकंडक्टर हैज, सर अभी तक तो एक ही क्वेश्चन किया है ना चैप्टर से, पिछली बार शायद करे थे ना कुछ क्वेश्चन वाले जो थे आपके, पिछला क्वेश्चन नहीं किया था हमने वाले जो है मास लॉ वाले, मास लॉ का करा था ना क्वेश्चन, मास सेक्शन का, लॉ ऑफ मास सेक्शन का। यस सर एक ही क्वेश्चन किया था ना भाई, एक ही किया था। अच्छा एक ही किया अभी, एक मिनट में देख लेता हूँ पुराना। हाँ मास सेक्शन का शायद हमने क्वेश्चन कर लिया था, बाकी करने अभी बाकी करते हैं सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि एक सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर अभी आवाज आ रही सबको? यस सर। यस सर। अच्छा एक बार हम लोग चौक चेक कर रहे हैं, वॉइस देखो अभी आ रही है? यस सर। डायरेक्टली स्पीकर से आ रही है, डायरेक्टली नहीं। नहीं आ रही ना, एक तो लगा दो, जीरो था इसकी, फिर इसकी जरूरत दो जरूरत पड़ेगी, मेरी आवाज़ क्या सुनेंगी है, मेरी आ रही है जा तो दियो, लगा लेता हूँ। अच्छा चलो, तो क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर है, हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन ऑफ 6 × 10⁻¹⁴ पर मीटर क्यूब ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस टू
4.5 to 10 to 16. अगर मास एक्शन लगाऊंगा तो इंट्रिंसिक वाले का स्क्वायर जो था पहले वो था 6 × 10⁴ का स्क्वायर, यानी कि 36 × 10⁸. ये इक्वल होना चाहिए एन ई इंटू एन एच के. दिस इंप्लाइज दैट एन एच जो होगा एन आई का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय एन ई, है ना. एन ई की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻¹. तो ये आपका कितना हो गया 10⁻¹. सर 4.5 × 10⁻¹⁶. ओके पर मीटर क्यूब, ठीक है. तो अगर ये निकालने को बोले आप तो निकाल सकते हो, ठीक है. चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. नहीं सीबीएसई के टाइप के क्वेश्चन है, अभी कंपटीशन वाले भी आगे आएंगे. जो कंपटीशन वाले हैं ना अगले टॉपिक से शुरू होंगे. कंपटीशन में अब तक पूछे गए क्वेश्चन वो ऐसे पूछे जाते हैं नॉर्मली कि कौन से मेजोरिटी कैरियर है, माइनॉरिटी कैरियर है, अगर हम आर्सेनिक डाल देंगे तो कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा. तो यहाँ पे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बिल्कुल ही कंपटीशन वाले, मतलब बोर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं लगभग. तो वैसे इसमें तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कम हो गई है इसमें, 10⁻¹⁴ से 10⁻¹⁰ हो गई. कंसंट्रेशन इज 10⁻¹⁶ डोपिंग कंसंट्रेशन इंप्योरिटी इंक्रीजेस टू. अच्छा कुछ गलत है, मैं डाटा चेक करता हूं. ओके यहाँ पे एक्चुअली ये 10⁻⁴ था, ठीक है. तो इसको 4 कर लेते हैं. सर वैसे जो हमारा आंसर आया था उस हिसाब से तो ये पी टाइप हो जाता ना, लेकिन काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है. इतनी कंसंट्रेशन तो पॉसिबल ऐसे भी नहीं, 10⁻¹⁴ काफी ज्यादा है. 10⁻⁴ इतना कर लेते हैं तो ये आएगा आपका 10⁻⁸ कितना आएगा, 8 आएगा. सॉरी अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइड बाय 10⁻¹⁰ करना पड़ेगा, 10⁻⁴ हो जाएगी. तो ये आपका हो गया और इसकी कंसंट्रेशन हो गई 8 × 10⁻¹২ 10⁻⁴. वो 4.5 × 10⁻¹⁴, ठीक है, ये सही है. चलो आगे मैं पढ़ता हूँ. एन टाइप ये कैसे पता है? सॉरी एन टाइप ये कैसे पता लगा था? इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, एन टाइप में क्या होता है मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे दोनों बराबर थे, फिर बाद में क्या हुआ डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बढ़ी है, तो यानी एन टाइप बना है, ठीक है. यस सर. जैसे अगला क्वेश्चन है से रिलेटेड ही है कि जैसे आप जो पूछ रहे हो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज करियर आर देयर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर. क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स. इसमें दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होगा और होल भी होगा. आपको क्या पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन और मेजोरिटी, होल सर माइनॉरिटी. माइनॉरिटी दोनों होंगे, ठीक है. अगला क्वेश्चन पी टाइप है, तो पी टाइप तो बताए दोगे, पी टाइप में उल्टा हो जाएगा, ठीक है. यस सर.
ओके अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, पी टाइप छोड़ो, पी टाइप तो बता दो। अगला क्वेश्चन है How does the conductivity and resistivity change with rise of temperature in case of intrinsic semiconductor? Conductivity increase, resistivity decrease? Yes. हाँ, conductivity increase होती है और resistivity होती है। मान लो अगर ज्यादा नंबर में आया, दो तीन नंबर में आया तो क्या लिखोगे? जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जो चार्ज कैरियर होते हैं ज्यादा फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और ज्यादा आपके पास है ना, तो आपके जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं बढ़ जाते हैं, ऐसे लिख सकते हो, टेम्परेचर बढ़ने के साथ। ठीक है, तो वो सब लिख सकते हो आप, क्या कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसके कारण जो है आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और उसका उल्टा रेसिस्टिविटी होता है वो घट जाती है। और अगर आप फॉर्मूला लिखोगे जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने लिखा था कि ई की पावर माइनस ई जी बाय 2kT, यानी इसके प्रोपोर्शन होता है, तो ये फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टी के साथ बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर दूसरे नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक दो पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे चले। यस सर। ओके, लास्ट टाइम हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कंडक्टिविटी के लिए, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है क्योंकि इस पे बेस न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, उसमें कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी ना इस वाले केस पे। हाँ, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, रेसिस्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, यस सर। तो ये क्वेश्चन है आपका कि द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन द डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स in an extrinsic semiconductor are the mobility of electron and holes are respectively जगह पे होल की वो कम है ना, कंडक्टिव मोबिलिटी होल की कम होती है, यहाँ पे देख भी रहे हो आप। तो व्हाट इज द टाइप सेमीकंडक्टर? एंड फाइंड इट्स रेसिस्टिविटी।
टाइप तो क्लियर ही है सबको, रेजिस्टिविटी तो कितनी आएगी। Question number 76. इसको उसमें सेंटीमीटर में निकाल लो, कन्वर्ट मत करो मीटर वगैरह में। देखो कितना आ रहा है रेजिस्टिविटी। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन की है 7.5 × 10⁻³, और मोबिलिटी है 23 × 10³। 3.62 is the answer given here. Sorry. सर इतना तो चल जाएगा ना? हाँ चल जाएगा। ये है आपका इतना 10⁻²। इसको सॉल्व करना है तो ये आंसर आना चाहिए फाइनली।
आया सब लोगों का? होगा तो सर एन टाइप नहीं है। हाँ एन टाइप क्योंकि वो ज्यादा है ना, एन दिया है यहाँ पे एन टाइप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। यस सर। आया बाकी लोगों का आंसर नहीं आया? डन सर। डन। कैलकुलेशन है सर बस। लास्ट में कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा। नहीं कैलकुलेटर बोर्ड में कैसे करोगे? बोर्ड का क्वेश्चन है ये। बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा ना। 1000 बाय 272 आया है। तो करना पड़ेगा कैलकुलेशन। ठीक है तो करके देख लेना आप लोग। 10 की पावर 16 ये आ रहा है यहां पे इनटू समथिंग आएगा, 10 की पावर 14 आएगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा। सर वहां से दो पॉइंट्स हटा देंगे तो वो 10 बाय 2.75 आ जाएगा, वो आसान हो जाएगा फिर। अच्छा देख लेना तो जो भी कैलकुलेशन वो करनी पड़ेगी ऐसी। ठीक है उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलो आगे चलें। यस सर। ठीक है अब एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, तीन चार, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। पहला है द चार्ज ऑन अ होल इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ, पहला जीरो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन। तो जो होल का चार्ज हम कंसीडर करते हैं, वैसे तो होल का कोई चार्ज होता नहीं है लेकिन वो चार्ज जब मूव करता है तो प्लस और माइनस माइनस शिफ्ट होता है क्या, तो प्लस माइनस हो जाता है, तो हम मान सकते हैं उसे कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन। When germanium is doped with phosphorus, the doped material has pehla excess पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, सी है वो नेगेटिव करंट कैरियर, चौथा है मोर पॉजिटिव थर्ड ऑप्शन सी। तो 76 का आंसर क्या होगा सबके हिसाब से?
मोर नेगेटिव करंट कैरियर, चार्ज तो उस पर जीरो होगा, करंट कैरियर इस पर मोर इलेक्ट्रॉन वाले होंगे क्योंकि फॉस्फोरस से आपने किया है, फॉस्फोरस 15 ग्रुप का है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजोरिटी कैरियर होते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है इसमें, आगे मूव करते हैं। क्लियर है सर, सिंपल है। तो भाई जर्मेनियम है ना, तो जर्मेनियम अगर आप 15 ग्रुप के साथ करोगे, आपने देखा ना पिछले 15 ग्रुप से हम करते हैं डोपिंग 14 वालों की, तो एन टाइप बनता है। और अगर हम 13 वाले ग्रुप से करते हैं तो पी टाइप बनता है। एन टाइप में जो होता है इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर होते हैं, और पी टाइप वाले में होल जो है मेजोरिटी कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रिकली दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो चार्ज दोनों का जीरो होता है, बस मेजोरिटी कैरियर का फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने फॉस्फोरस से डोपिंग की है 15 ग्रुप से, तो एन टाइप बनेगा। और एन टाइप में जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेजोरिटी कैरियर होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सर? एल्युमिनियम से करते तो पॉजिटिव हो जाता, अगर किसी एल्युमिनियम से कराते तो? यस सर। हाँ, एल्युमिनियम 13 में ना, 13 में कराएंगे तो पी टाइप बनेगा, फिर होल मेजोरिटी करियर हो जाएंगे, फिर आपका डी ऑप्शन आता है। डी ऑप्शन, यस सर। इफ एनी एंड वीडी बी द number of electron and drift velocity in a semiconductor, when the temperature is increased, A है any increases, VD decreases, B है any decreases, VD increases, C है both increases, D है both decreases। तो क्या आंसर है? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा इसमें? यस सर। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, और ड्रिफ्ट प्रेशर को पता घटती है जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो। यस सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, एन ई बढ़ जाएगा हमारा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। बेस्ड ऑन द एनर्जी बैंड डिस्क्रिप्शन सॉलिड कैन बी classified as a semiconductor if the energy gap between the
वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सॉरी, बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप जो होता है कितना होता है लगभग? ये सॉरी ऑप्शन सी जो है वो है, ऑप्शन सी करेक्ट कर रहा हूँ मैं, ऑप्शन सी में ऐसे लिख रहा हूँ सी। क्या आंसर आएगा? सी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, इसमें जो एनर्जी गैप होता है सेमीकंडक्टर में, देखना पिछली आगे काफी कम होता है, लास्ट टाइम लिखा भी था 6 से ज्यादा तो आपका वो रहता है इंसुलेटर ही। क्या आंसर आएगा बताओ बाकी लोग? इसमें हमारा एनर्जी गैप कम होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे होता है, 1 के आसपास, तो वी कैन राइट दिस इज लेस देन 3 के आसपास जो होता है उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? बैकग्राउंड बदल दीजिए। यस सर, खत्म हो गया तो एक बार और देख लीजिए। चलिए, आगे मूव करते हैं। एक बार और बता दीजिए। पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है? तो जब आप पी टाइप के सेमीकंडक्टर को और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को आपस में फ्यूज करेंगे तो एक पीएन जंक्शन बन जाता है, ठीक? तो फ्यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी। तो यहाँ पे एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर आपने लिया और एक एन टाइप का लिया, तो एक आपका जंक्शन बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी क्यों होती है, मतलब जैसे पीएन जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी ये होती है कि करंट अगर फ्लो कराओगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये रेजिस्टेंस बहुत कम होगा इसका, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस आपको बहुत ज़्यादा हो जाए, है ना, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। ऐसा क्यों इसमें हो जाता है तो ये हम देखेंगे, ठीक है? तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको सेमीकंडक्टर का आइडिया होगा कि सेमीकंडक्टर का यूज़ किया है। ऐसी चीज़ें कंडक्टर में होती हैं डायरेक्शन प्रॉपर्टी, कॉपर की वायर में आप जैसे करंट फ्लो कराओ तो कुछ और रेजिस्टेंस है, इधर से फ्लो कराओ तो कुछ और रेजिस्टेंस है, उसमें तो नहीं होता है ना, उसमें सेम होता है चाहे आप लेफ्ट से राइट कराओ राइट से लेफ्ट कराओ, लेकिन यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो लेट अस सी ऐसा क्यों होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड पहले हम बनाते कैसे देख लेते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप या तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर ले लो या एन टाइप का, ठीक है? पी टाइप का और एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं वो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं, उसके तीन तरीके में देखे थे कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर या एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के क्या तरीके हैं। अब आपने सेमीकंडक्टर जब लिया, मान लो आपने कोई भी टाइप का ले लिया, फिर आप क्या करोगे कि उसके जो अपोजिट टाइप का आपको बनाना है, मान लो पी टाइप का ले लिया आपको एन टाइप और चाहिए, तो आप वैसी ही इम्प्योरिटी के एटमोसफेयर में उसे, मैंने उसका एक हीट कर सकते हो आप, या फिर आप उसे जैसे मान लो आपने लिया कि आपने लिया एक एन टाइप का सिलिकॉन, मान लो एन टाइप लिया आपने, ठीक है? एन टाइप का मतलब आपने जो इसमें फॉस्फोरस वगैरह की किसी की इम्प्योरिटी डाली हुई है, एन टाइप का सिलिकॉन लिया, इसके वेफर लिए। अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की फिल्म रखोगे,
ठीक है, तो सिलिकॉन आपने लिया, एन टाइप ऑलरेडी है ये, अब आपने पी टाइप चाहिए आपको, तो पी टाइप के लिए आपने क्या किया, एल्यूमिनियम को फिल्म भी इसके ऊपर रखी, तो केवल रखने से काम नहीं होगा या प्रेस करने से काम नहीं चलेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है मान लो, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप है, एल्यूमिनियम फिल्म इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर so that it diffuses in into the silicon, ठीक है, तो सिलिका के अंदर जो है डिफ्यूज कर जाएगा अंदर उसके, तो अगर डिफ्यूज कर गया तो यू विल गेट अ एनपी टाइप, पी एन बोल रहे एनपी बोल रहे एनपी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मिल जाएगा। एन तो पहले था ही, तो ये फोर्थ स्टेप है हमारा, ठीक है, तो ऐसे हम इसको बनाते हैं। अभी तो होगा कि बनाते कैसे हैं, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्यों शो करता है ये, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको जब हमने बनाने की बात की? यस, ठीक है। अब देखो मान लो ये बन गया, अब दो साइड हैं इसकी, पी और एन, ठीक है, हम ऐसा दिखा रहे हैं लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, जैसे पी टाइप अगर होगा तो उसमें आप थोड़ी सी फिल्म डालोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, वो पी एन टाइप है ना, लेकिन हम ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों बराबर बड़े बड़े हैं काफी रीजन, खैर जो भी है। अच्छा पी टाइप में होता है मेजोरिटी कंडक्टर को, कैरियर कौन होते हैं? होल्स। पी टाइप में होल मेजोरिटी होते हैं, तो इनको होल को दिखाते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ऐसे तो नहीं इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे, कुछ तो होंगे। एन टाइप में उल्टा होगा, एन टाइप में मान लो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी कैरियर है, और थोड़ा बहुत होल है, ठीक है। अब क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस होल हेयर, यहाँ पे ये ज़्यादा है होल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये डिफ्यूज करते हैं, आपको पता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर सकते हैं कोई चीज़, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये देखो डिफ्यूज करते हैं होल इस साइड को, और इलेक्ट्रॉन इधर को डिफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो जब ये इधर को डिफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, इसमें ये आके इस होल को भर देगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज जीरो था, यहाँ भी चार्ज जीरो था, अब इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, yes. है ना, ये होल वाली जगह भर दी इसने, मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो अप टू सम डिस्टेंस तक ये जो है होल को खत्म कर देगा। किसने खत्म किया, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए थे एन साइड से पी साइड की तरफ, ऐसे जो होल उस तरफ जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे क्रिस्टल बन जाएंगे। ये जो प्लस दिखा रहा हूँ ये क्रिस्टल है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकते, ये करियर नहीं है, ठीक है, ये क्रिस्टल है, एटम है, मतलब एक तरह का एटम पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये मूव नहीं करेगा, मूव करने वाली जो चीजें हैं वो ये हैं जो पीछे हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, इसके माइनस आने के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा, जब माइनस चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो इधर को इलेक्ट्रॉन आ रहे थे इनको रोकेगा आने से, ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि इनको जो फील्ड होगा इस वाले नेगेटिव चार्ज का वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा, ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहे हैं वो प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होगी और होते होते खत्म हो जाएगी। ऐसे जो होल इधर को आ रहे थे वो इस प्लस चार्ज के कारण रिपेल होंगे, और रिपेल होने के कारण क्या होगा कि उनका भी फ्लो धीरे धीरे क्या होगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो कंडीशन आएगी जहाँ पे कि ये एक लेयर बन जाएगी बीच में और इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो जो है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, दो चीजें हो रही हैं। पहला हो रहा है डिफ्यूजन, किसका हो रहा है डिफ्यूजन, मेजोरिटी कैरियर का, अपोजिट साइड। तो पी टाइप से जो है होल जा रहे हैं और एन टाइप से जो है इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपोजिट साइड में, तो डिफ्यूजन है, ठीक है। तो इसको डिफ्यूजन करंट बोल सकते हैं। तो शुरू में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, जीरो जीरो भी नहीं बोलेंगे, कम हो जाएगा काफी। एक और करंट होगा आपका, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, माइनस आ गया, तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को होगी इसमें, इधर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं तो अगर ये पीएन जंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो एन से पी की तरफ हुआ, ये बात ठीक है, करेक्ट है? यस सर। ओके, अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता है, प्लस चार्ज मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और ट्राई करेगा कि यहाँ पे जो है कुछ माइनॉरिटी जो कैरियर हैं प्लस वाले, माइनॉरिटी भी है ना यहाँ पे कुछ एन साइड में, उनको इधर को धकेलने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन, उनको इधर को धकेलने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, ये जो है माइनॉरिटी वालों को मूव कराएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, ट्राई टू मूव माइनॉरिटी करियर्स, ये माइनॉरिटी करियर्स को मूव कराने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी करियर को मूव कराएगा, तो इसका जो करंट होता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि डिफ्यूजन करंट पहले ज्यादा होगा और फिर वो घटते घटते कम हो जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट पहले जीरो होगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा तो ज्यादा हो जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी जहां पे क्या होंगे दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो ना तो कोई होल मूव कर रहा है, मैंने कर तो रहे हैं लेकिन ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंसंट्रेशन पे, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे होल की और इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगी। लेकिन जब ये सब प्रोसेस होगा उस बीच में एक जोन बन जाएगी बीच में, जहां पे कि इस जोन में कोई मेजोरिटी कैरियर है, इस जोन में कोई मेजोरिटी कैरियर नहीं है, खत्म हो गए सब मेजोरिटी कैरियर जो थे वो तो खत्म हो गए ना, उनको तो आके उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया सॉरी, उनको सीट को खत्म कर दिया उनकी, मान लो जो होल था उनको वहां पे इलेक्ट्रॉन घुस गया और यहाँ पे आके जो इलेक्ट्रॉन थे उस तरफ आ गए, तो यहाँ पे मेजोरिटी वाले कोई करियर नहीं है, यहाँ पे केवल एटम है जो चार्ज एटम है, बस मेजोरिटी करियर नहीं है, चार्ज एटम है केवल, ठीक है। तो इस जो लो ये जो जोन है जहाँ पे कोई भी मेजोरिटी करियर नहीं होता, इस जोन को हम बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। यहाँ पे डिप्लीट हो गए, कौन डिप्लीट हो गए, मेजोरिटी करियर, उसको हम डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। इतना समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो डिप्लीशन लेयर को हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, स्पेस ऑन बोथ साइड ऑफ पीएन जंक्शन विच हैज इमोबाइल
आयंस ओनली बट नो चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है सबको? ओके, तो जो डिप्लीशन लेयर होती है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस उनका जो क्रिएट हो जाता है एक, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। स्टॉप नहीं बोलेंगे, अपोजेस बोलेंगे, अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए लगभग 0.3 होती है और सिलिकन के लिए लगभग जो होती है 0.7 वोल्ट होती है। ठीक है, इसको आप उससे कंफ्यूज मत करना जो एनर्जी गैप था हमारा। एनर्जी गैप आज डिफरेंट, एनर्जी गैप अलग था ना, 1.1 आया था वो अलग है। ये डिप्लीशन लेयर का गैप है पीएन जंक्शन डायोड का सिलिकन में और जर्मेनियम में। इसकी वैल्यू जो है 0.3 और 0.7 है वोल्ट में। ठीक है, वहां पे जो आया था आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, तो वो एक अलग चीज था। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक चीज बताओ, डिप्लीशन लेयर ज्यादा थिन होगी या थिक होगी, चौड़ी होगी ज्यादा, तो उससे क्या हो रहा है? मैंने करंट का फ्लो रुक रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है तो करंट को आराम से अलाउ कर रही है, मैंने डिफिकल्ट हो रहा है करंट के लिए? अगर डिप्लीशन लेयर थिक होगी तो वहां पे मेजोरिटी कैरियर गायब होंगे ज्यादा, तो करंट का फ्लो आराम से होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? डिफिकल्ट होगी, कि अगर मेजर मान लो अगर पोटेंशियल बैरियर ज्यादा है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा हो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है मेजोरिटी कैरियर को। तो अगर पोटेंशियल बैरियर मेजोरिटी कैरियर को आने में अपोज कर रहा है तो मेजोरिटी वाले करंट को कम वो करेगा, वो डिस्टर्ब करेगा। करंट तो मेकिंग मेजोरिटी के कारण ही होता है, माइनोरिटी कारण तो बहुत कम करंट होता है। तो अगर वो मेजोरिटी कैरियर को अपोज करेगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है तो सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो करंट को आराम से फ्लो नहीं होने देता। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है दूसरे में क्यों नहीं होता, तो अब उसकी तरफ हम जाएंगे धीरे धीरे कि करंट आप देखोगे एक तरफ जब आप करंट फ्लो कराओगे तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी तो करंट को फ्लो नहीं करने देगी, दूसरी तरफ आप जब करंट को फ्लो कराओगे डायरेक्शन में तो डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी, तो करंट को आराम से फ्लो होने देगी, तो वहां पे रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, तो अभी इसको देखेंगे। यहां तक समझ में आया सबको जो हमने अभी तक पढ़ा? यस सर। ओके, अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं दो तीन डिप्लीशन लेयर के रिगार्डिंग, वो लिख लेते हैं, और एक दो ग्राफ हैं कि डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वेरी करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी करती है। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो कंपटीशन में पूछ लेते हैं, तो उनको पहले नोट डाउन कर लेते हैं और पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है,
ओके तो पहला पॉइंट है इट्स थिकनेस इज अराउंड 1 माइक्रोन काफी पतली थिकनेस कम थिकनेस होती है. सेकंड पॉइंट है width of depletion layer is inversely proportional to the doping. अगर आप डोपिंग ज्यादा करते हो, अगर आप डोपिंग ज्यादा करोगे तो आपके जो चार्ज हैं वो ज्यादा दूर तक मूव कर जाते हैं आपने. सॉरी कम दूर तक मूव कर जाते हैं मैंने यहाँ पर टकरा जाते हैं उनसे जो बीच में ही होते हैं बाकी तो कम दूर तक मूव करेंगे तो डिप्लीशन लेयर पतली बनेगी. तो अगर डोपिंग ज्यादा होगी आपकी तो डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी क्योंकि डोपिंग ज्यादा. दोबारा मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने डोपिंग ज्यादा करी हुई है तो क्या होगा कि यहाँ पे जो करियर होंगे बहुत सारे होंगे, जब पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो जल्दी कैप्चर होके खत्म हो जाएंगे, ज्यादा उनको मूव नहीं कर पाएंगे, आगे टकरा जाएंगे पहले ही, तो डिप्लीशन लेयर पतली बनेगी. और अगर आपकी डोपिंग वीक है तो हो सकता है कि डोपिंग मान लो वीक है आपकी तो हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ जाए भरने के लिए उसे, तो काफी चौड़ी ये बन सकती है डिप्लीशन लेयर. तो डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. ठीक है क्लियर हुआ सबको? अगर हम ग्राफ बनाएं पीएन जंक्शन के तो मान लो ये P है ये N है. अगर हम चार्ज की बात करें चार्ज डेंसिटी तो P की तरफ कैसे चार्ज होगा? P साइड में कौन सा चार्ज होगा? P साइड में कौन सा चार्ज था यहाँ पे? बताओ किस साइड में? पी साइड में नेगेटिव चार्ज है. अरे ना पी में जो है नेगेटिव चले गए थे इलेक्ट्रॉन तो वहां नेगेटिव चार्ज आ गया था. तो पी साइड में मतलब बीच की अगर बिल्कुल बीच की बात करें तो उसके किनारे में पी साइड में जो है थोड़ा दूर तक जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है कुछ दूर तक और यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है. उसके तो चार्ज जीरो आता है आगे जाके, लेकिन डिप्लीशन लेयर में जो है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होगा पीएन जंक्शन में. ये बात क्लियर हुई सबको? ठीक है ये होगा. दूसरा क्या होगा यहाँ पे? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इधर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होगा और फिर डिप्लीशन लेयर में बढ़ेगा, बढ़ के डिप्लीशन लेयर के इस तरफ पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा. जो पीएन जंक्शन में पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा. ठीक है सारे डिस्टेंस के अगेंस्ट हैं और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएं यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो लगभग ऐसा बनता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन जो होगी किधर को होगी? एन से पी की तरफ क्योंकि एन में प्लस चार्ज है
नेगेटिव फील्ड मान सकते हो, यहाँ पे इधर को फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, इसलिए नीचे बना रखा ग्राफ, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बीच में, बिल्कुल बीचों बीच जो है वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ है। दीज आर द इम्पोर्टेंट ग्राफ रिगार्डिंग डिप्लीशन लेयर। क्लियर है सबको ये? यस सर। तो ग्राफ आपको याद रखने कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। सॉरी क्लियर है सबको? आगे चलें? यस सर। यस सर। ओके, अब हम देखते हैं वाला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हम करंट को एक डायरेक्शन में भेजते हैं तो जंक्शन अलाउ कर देता है, एक डायरेक्शन में नहीं करता, तो उसको हम बोलते हैं कि बायसिंग, बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। तो डायोड बोलते हैं, तो डायोड जो एक डायरेक्शन में अलाउ कर रहा है, इसलिए डायोड का सिग्नल ऐसे ही बनता है। इसका मतलब है कि करंट आपका इधर को तो फ्लो करेगा लेकिन अपोजिट फ्लो नहीं करेगा इससे, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं डायोड को। अगर डायोड जो होता है उसको हम ऐसे भी बनाते हैं ना, ये सेम है। अब यहाँ पे देखो दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो दोनों देखते हैं फॉरवर्ड रिवर्स में फर्क क्या होता है, और फॉरवर्ड एक में आपका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है फॉरवर्ड में, रिवर्स में जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो पहला है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या करते हैं हम लोग, ऑलरेडी डिप्लीशन लेयर है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, तो हम पी टाइप वाले को बैटरी के प्लस वाले से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप वाले को माइनस से कनेक्ट करते हैं। जब डिप्लीशन लेयर बनी थी यहाँ पे तो पी वाले देखो मूव कर रहे थे प्लस चार्ज था, और यहाँ पे माइनस चार्ज था। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर को काम कर रहा था इसका, ठीक है। अब जब आपने ये फॉरवर्ड बायसिंग करी तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो सेम डायरेक्शन में है या कोई डायरेक्शन में है? सेम, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखें तो आपको जो आप फील्ड लगा रहे हो आप इधर को लगा रहे हो एक्सटर्नल फील्ड, तो इससे जो ये वाला बैरियर है पोटेंशियल बैरियर ये बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर हमने ज्यादा लगा दिया, मान लो उससे ज्यादा लगाया तो जीरो भी हो सकता है, तो आप जो भी वोल्टेज लगाओगे उससे आपका पोटेंशियल बैरियर घट जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो आपकी ये तो आपको पता है कि P वाले को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और N वाले को नेगेटिव से करेंगे, तो आपकी जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, फॉरवर्ड एक्सटर्नल, फॉरवर्ड एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर एंड हेंस इट्स हाइट इज रिड्यूस्ड, ठीक है।
अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाऊं, तो मान लो पहले पोटेंशियल आपका ऐसे था, पहले आपका ऐसे था, जो आपने वोल्टेज लगाई ये पोटेंशियल बैरियर था। अब आपने वोल्टेज लगाई तो उसने उसको कम कर दिया, अब जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा कम हो जाएगा पोटेंशियल बैरियर, अब जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, और अब जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होगी वो वी बी माइनस वी होगी। वी क्या है? वी इस वाली बैटरी की वोल्टेज है। तो अब जो आपकी वोल्टेज होगी वो वी बी माइनस वी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका पोटेंशियल बैरियर कम हो गया। डिक्रीजेस, सो रेसिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो इसको हम ऐसे भी शो करते हैं, जब डायग्राम में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस वाली साइड को हमने अगर प्लस चार्ज से कनेक्ट, प्लस बैटरी से कनेक्ट किया तो ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायसिंग है। और अगर आप उल्टा कर दोगे इसे ऐसे तो ये रिवर्स बायसिंग है। अभी देखेंगे हम रिवर्स बायसिंग, इसको उल्टा कर लो या बैटरी को उल्टा कर लो तो ये रिवर्स बायसिंग है। तो करंट जो है कि इधर को फ्लो करेगा, करंट इधर को फ्लो करेगा। इस केस में हम रेजिस्टेंस को ऑलमोस्ट जो है नील लेते हैं, बहुत कम लेते हैं, कई बार दिया रहता है बहुत कम, लेकिन बहुत कम होता है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम लगभग इनफिनिट मानते हैं ऑलमोस्ट, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करता, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवर्स बायसिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको फॉरवर्ड बायसिंग का? यस सर, पिछले स्लाइड कर दीजिए एक बार। सर अब नेक्स्ट वाली पे एक मिनट रोक लीजिएगा। नेक्स्ट वाली? यस सर। ठीक है, रिवर्स बायसिंग करें हम। यस सर। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा आपका, मान लो पीएन जंक्शन डायोड है, तो पी वाले को हम बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देंगे और इसको प्लस से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करंट फ्लो कराना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ी बैटरी बनाई है। आप जब भी फिगर देखोगे यहाँ पे तो रिवर्स बायसिंग में बैटरी जो ऐसे दिखाएंगे और फॉरवर्ड में यूजुअली ऐसे दिखाएंगे सिंगल वाली, जैसे पिछले आप देखोगे तो मैंने सिंगल बैटरी एक सेल दिखाया था बस, तो दैट इज लेस वोल्टेज में काम चल जाएगा आपका। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग करोगे तो करंट के लिए हाई वोल्टेज चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, तो इसे ध्यान रखना। आप देखो आपने जब ये कनेक्ट किया और जो इंटरनल पोटेंशियल, इंटरनल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इधर को था, प्लस चार्ज इधर को था, इधर को था। आपने जो लगाया वो भी आपने इधर को लगाया, तो कुल मिला के क्या होगा, इनका पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ जाएगा ना, दोनों एक साइड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में दोनों काम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल बैरियर आपका बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल बैरियर का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो जो ग्राफ आपका ऐसे था, पहले आपका पोटेंशियल बैरियर मान लो ये था, यस
अब ये बढ़ जाएगा, अब ये हो जाएगा v प्लस वी बी, तो अब एक्सटर्नल वोल्टेज का जो पोटेंशियल होगा वो जो है आपके पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देगा, ठीक है। और आपकी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, डिप्लीशन लेयर क्या होगी बताओ, थिन होगी या थिक हो जाएगी? थिक। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, डिप्लीशन लेयर इस केस में जो है और थिक हो जाती है, डिप्लीशन लेयर और ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, डिप्लीशन लेयर बिकम थिक। डिप्लीशन लेयर बिकम थिक, ठीक है। क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या करती है, एक्चुअली यहाँ के मेजोरिटी के एयर होते हैं ना, इनको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है, सॉरी ये जो बैटरी है इसका प्लस टर्मिनल है, तो मेजोरिटी वाले को जब अटैक करेगा तो ये पीछे खिसक जाएंगे थोड़ा। तो हमने भी देखा था डोपिंग वाला हिसाब की, अगर डोपिंग वो होती है तो ज्यादा दूर तक डिप्लीशन लेयर बन जाती है, तो यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर जो है इसलिए ज्यादा बड़ी बन जाती है क्योंकि मेजोरिटी कैरियर पीछे हो जाते हैं, ऐसे यहाँ प्लस वाले जो है उधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे जो आपके होल होंगे, सॉरी। तो अगर होल आपके वो हो जाएंगे तो डिफ्यूजन करंट फिर जो होगा वो ज्यादा दूर तक आ जाएगा, अगर ये होल पीछे होगा तो डिफ्यूजन करंट जो आ रहा होगा यहाँ से वो ज्यादा दूर तक आ जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर जो और ज्यादा बड़ी बन जाएगी, तो यहाँ पे डिप्लीशन लेयर जो थिक हो जाती है, पिछले वाले केस में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाती है। ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। और इनका अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग जो होता है एज कंपेयर टू रिवर्स बायसिंग बहुत कम होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये लगभग जो रेशो आता है, अगर आप सिलिकन की बात करें, सिलिकन में ये 1:10^6 इतना गैप होता है, रिवर्स बायसिंग रेजिस्टेंस जो है बहुत हाई हो जाता है, इसलिए ये जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं होने देता और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट को आराम से फ्लो होने देता है। ठीक है, समझ में आया सबको? यस। ओके, आप देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले इस पे बेस्ड जो आपने पढ़ा अभी तक, तो मेरे ख्याल से इसको क्लियर होगा जो मैंने तक पढ़ा है कि पीएन जंक्शन डायोड बनता कैसे है और डिप्लीशन लेयर क्या होती है, कैसे बनती है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, उसके अलावा डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, तो डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है, फिर ये सब क्या होता है इसमें, और फॉरवर्ड बायसिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, रिवर्स बायसिंग से क्या फ़र्क पड़ता है, और रेजिस्टेंस जो होता है फॉरवर्ड में कम क्यों होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स के। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन से मूव कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में तो रेशो ही पूछा है कि कितना रेशो होता है रेसिस्टेंस का इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, तो आप ऑलरेडी देख चुके हो वहां पे, तो वो क्वेश्चन में नहीं करा रहा। अगला क्वेश्चन है, इन अ पीएन जंक्शन डायोड not connected to any circuit and
द पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर बी द पी टाइप इज एट हायर पोटेंशियल देन एन टाइप साइड सी there is an electric field at the junction directed from n side to p type साइड और दूसरा इसका उल्टा है देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो क्या आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी सी सी ओके सब लोग सी बोल रहे हैं बाकी लोग सी तो पहले से बोला कि पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर तो गलत है सेम तो नहीं होता पी टाइप इज हायर पोटेंशियल पी टाइप में नेगेटिव चार्ज आ रहा था तो पी टाइप हायर पोटेंशियल पे तो नहीं होगा लोअर पे होगा तो ये हायर पे नहीं होगा लोअर पे होगा देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन जंक्शन डायरेक्ट फ्रॉम एन टू तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखोगे तो ये एन टू पी ऐसे आ रहा है प्लस से माइनस की तरफ होता है दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्लियर है सबको अगला क्वेश्चन है द डिप्लीशन layer in the PN junction region is caused by A drift of hole B diffusion of charge carriers C migration of impurity ions D है drift of electrons क्या आंसर है डी क्या डी डी यस सर बाकी लोग बताओ बी ऑप्शन इसमें क्या होगा डिफ्यूजन होता है ना मेनली डिफ्यूजन के कारण डिप्लेशन लेयर बनती है ड्रिफ्ट तो तब बाद में होता है ड्रिफ्ट तो उसके कारण जब डिप्लेशन लेयर बन जाती है तो डिफ्यूजन होता है मेनली क्योंकि बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन डिफरेंस पी साइड और एन साइड में कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है मेजोरिटी कैरियर का इसके कारण डिफ्यूजन होता है इसके कारण डिप्लेशन लेयर बनती है तो डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर इज द आंसर एक मिनट क्या बोले क्या होना चाहिए डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर डिफ्यूजन ऑफ दोनों ही होता है ना डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है होल भी होता है डिफ्यूजन होता है लेकिन ड्रिफ्ट नहीं होता तो ये तो गलत है ड्रिफ्ट डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल होगा तो
उसने इसलिए चार्ज कैरियर बोला है, ठीक है? यस सर। ड्रिफ्ट नहीं होगा यहाँ पे किसी भी, ड्रिफ्ट होता है जो उसके कारण होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है डिप्लीशन लेयर का, तब हम ड्रिफ्ट बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट। सर ड्रिफ्ट टर्म से माइनॉरिटी के लिए यूज करते हैं क्या? ड्रिफ्ट ऑफ सर ड्रिफ्ट तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ज्यादा यूज करते हैं, माइनॉरिटी का होता है तो वो नहीं आएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है when forward bias is applied to a PN junction then what happens to the potential and the width of charge depleted region X. फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर का साइज क्या होता है और इसका क्या होता है जो आपका पोटेंशियल बैरियर है? सीओटी ऑप्शन में हाई लिखा है, लो लिखा है? ये 30 का आंसर होगा, क्या होगा फिर सीओटी ऑप्शन? आपकी डिप्लीशन लेयर भी पतली हो जाती है और पोटेंशियल बैरियर भी आपने कहा कम हो जाता है आपका साइज जो है उसका, तो दोनों जो है कम हो जाएंगे इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, ठीक है? क्लियर है? यस ठीक है, तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी ना। अगला क्वेश्चन है इन द middle of depletion layer, in the middle of depletion layer of a reverse bias PN junction रिवर्स बायस पीएन जंक्शन क्या होता है? ए पोटेंशियल इज जीरो, बी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, सी पोटेंशियल इज मैक्सिमम, डी इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। हेलो पोटेंशियल मैक्सिमम होता है छोटा बड़ा मिडिल में, पोटेंशियल ग्राफ तो ऐसे बनता है ना, ये मिडिल है जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है? और चार्ज वाले कैसे बना था? क्या आंसर आएगा?
ए ऑप्शन है ना, ये मिडिल ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन बोल रहा है, रिवर्स बायस पीएन जंक्शन, तो ए भी हो सकता है, तो और इसमें ए और डी दोनों ही हो सकते हैं, तो ई मैक्सिमम बोलेंगे हम कि ई मैक्सिमम होगा हमारा, ठीक है, वैसे ए भी सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन थे, इससे जो बेस थे, अब इस पे जो बेस्ड हमने ये पढ़ा है ना, भी फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इस पे बेस्ड सर्किट हैं कुछ, उनके क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो ऐसे करते हैं, अभी ब्रेक ले लेते हैं एक, और ब्रेक के बाद फिर इनको सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन हमारे सर्किट से रिलेटेड है, ठीक है। यस सर, चलिए तो 6 बजे हम लोग मिलते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें डी ऑप्शन है, इसमें डी लगाएंगे, डी बोल सकते हैं, ए भी सही है सर, ए भी जो है आपका ए भी सही है। इसमें दिया क्या ऑप्शन में, ए में पोटेंशियल इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। चलो उसको एक बार देखना पड़ेगा, दो ऑप्शन क्यों करेक्ट हो रहे हैं, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है वैसे तो, सोचते हैं थोड़ा, ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर, ठीक है, एक बार देख लेते हैं जेई मेंस का, भी चेक करते हैं। सर एक डाउट, 6 बजे मिलते हैं हम लोग सर। हाँ जी, क्या कर रहे हो सर? एक डाउट है ना, डाउट है बताओ सर। सर बोलो, आपने क्या करा है, व्हाट्सएप भेजा है? नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर। बताओ सर, ये डिफ्यूजन के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, तो हम उसके अक्रॉस कोई लोड कनेक्ट कर दे तो उसमें करंट फ्लो करेगा क्या? एक मिनट, आप कह रहे हो डिफ्यूजन के कारण पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, अगर हम क्या कर दें, कोई लोड कनेक्ट कर दे, कनेक्ट वायर कनेक्ट कर दे, उससे कोई रेजिस्टेंस लगा दे तो करंट फ्लो करेगा उसमें वायर में? हाँ, ये भी क्वेश्चन भी आगे आने वाला था कि अगर हम एक नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट वो कर दें तो करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके एंड को अगर जोड़ दें, क्या होगा? चलो ये क्वेश्चन आएगा तभी डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है? क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आपको कोई और है? यही पूछा है, अभी आएगा, डिस्कस करते हैं उसको। डाउट पता नहीं इसमें क्या होगा।